आस्क फॉर मास्क मराठीतलं आपलं शेअरिंग कंटिन्यू करते आहे. तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. मी सुप्रिया राख. आपल्याला आस्क फॉर मास्क या व्हर्सटाईल मास्क अवेअरनेस मुवमेंट ग्लोकल मुवमेंट संदर्भात मराठीतल्या आस्क फॉर मास्क या मुख्य शीर्षकांतर्गतल्या उपशीर्षक असणाऱ्या उपयोग मास्क उपयुक्ततांबाबत शेअर पॉईंट ऑफ व्ह्यूज शेअर करत होते. तर त्यातला धार्मिक सलोख्याचा म्हणजे सर्वधर्म समभाव किंवा धर्मनिरपेक्षता किंवा विविधतेतील एकता एकतेचं प्रतीक असलेला धार्मिक सलोख्याचा भाव जोपासण्याच्या उद्देशाने सुद्धा मास्कचा प्रतीकात्मक उपयोग आपण करू शकतो. मास्क हे एक वेगवेगळ्या धर्मांमधलं साम्य किंवा वेगवेगळ्या धर्मांमधलं धर्मांमधल्या विविधतेतली एकता दर्शवण्याचं मास्क हे प्रतीक होऊ शकतं. या संदर्भात आपण बोलत होतो. म्हणजे जैन्समध्ये जसा मास्क वापरला जातो, मुस्लिम्स वगैरेंमध्ये जसा बुरखा वगैरे वापरला जातो, तो या सगळ्यांचं प्रतीकात्मक आणि सृजनशील सर्जनशील आणि जास्त उन्नत किंवा प्रगत प्रतीक म्हणून आपण मास्कचा उपयोग करू शकतो आणि समजून घेऊ शकतो. तर आणि त्यानंतरचं जे उपशीर्षक आहे ते मास्क आर्ट एक्सप्रेशन्स संदर्भातलं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की कला, आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या कला एक्सप्रेस करण्यासाठी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स वेगवेगळे सर्फेसेस आणि वेगवेगळे माध्यम वापरत आलो आहोत. तर मास्कचा एक मीडियम एक टूल एक सर्फेस म्हणून आपण वेगवेगळ्या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन्ससाठी उपयोग करू शकतो करत त्याच्या संदर्भातलं आपलं आकलन आपण सगळे एकमेकांसोबत शेअर करू शकतो. जसं की म्हणजे असं म्हणता येईल की लहान मुलं असतील किंवा यूथ ग्रुप म्हणजे युवा वर्ग असेल, महिला वर्ग असतील, काही कंपन्यांचा एम्प्लॉई वर्ग असेल, तर अशा सगळ्या लोकांसाठीची फन फील्ड क्रिएटिव्ह म्हणजे कल्पक सर्जनशील ॲक्टिव्हिटी म्हणून मास्कच्या सहाय्यानं मास्कच्या मदतीनं वेगवेगळ्या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन्स संदर्भातल्या कॉन्टेस्ट म्हणजे कल्पक स्पर्धा आपण घेऊ शकतो. ज्यामध्ये फेस पेंटिंग्सप्रमाणेच मास्क पेंटिंग स्पर्धा असू शकते किंवा मास्क स्लोगन रायटिंग कॉन्टेंट रायटिंग मास्क च्या संदर्भातलं ड्रॉइंग असेल किंवा पेंटिंग कॉन्टेस्ट असतील तर या आपण घेऊ शकतो. त्याशिवाय रियूज रिसायकल अँड अपसायकल या मुख्य पर्यावरणपूरक उद्देशा संदर्भातलं मास्क मेकिंग कॉन्टेस्ट आपण घेऊ शकतो. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतींनी कसं मास्क बनवले जाऊ शकतात तर त्या अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या किंवा मास्कचा बहुआयामी किंवा बहु उपयोग अनेक बहुपर्यायी उपयोग समजून घेण्यासाठीचा सुद्धा उपयोग आपण आर्टिस्टिक उपयोग कल्पक उपयोग सर्जनशील सृजनशील उपयोग मास्क आर्ट एक्सप्रेशन्स या उपशीर्षकाअंतर्गत समजून घेऊ शकतो शेअर करू शकतो आणि आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनणाऱ्या मास्क बद्दल आपण अधिक कृतीशील कल्पक
दृष्ट्या कृतीशील सहभाग घेत राहू शकतो. अशा प्रकारे मास्क हे वेगवेगळ्या टॅलेंट्सना शोकेस करण्याचं एक महत्त्वाचं माध्यम, एक मीडियम म्हणून आपण याचा प्रचार प्रसार आणि या म्हणजे काही काव्यात्मक कॅलिग्राफी वगैरे अशा प्रकारचे एक्सप्रेशन्सना सुद्धा आपण मास्कच्या आधारे आणि मास्क मार्फत व्यक्त करू शकतो, शेअर करू शकतो. त्यानंतरचं एक उपशीर्षक मला शिकलं सुचलेलं ते म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की बहुतांश सगळीकडेच खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम इव्हेंट्स होत असतात, तर अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी इव्हेंट्ससाठी टार्गेट ऑडियन्स म्हणजे जो निवडक ऑडियन्स किंवा प्रेक्षक वर्ग असतो तर त्यांच्यासाठीच्या एंट्री पासेस असतात, तर त्या एंट्री पासेसना वेगळा खर्च वेगळं इन्व्हेस्टमेंट करण्याऐवजी मास्कचाच उपयोग स्पेसिफिक इव्हेंटसाठीची एंट्री आयडेंटिटी म्हणूनही लक्षात घेण्यासारखा आहे. म्हणजे फिल्म फेस्टिवल्स असतील, कॉन्फरन्सेस असतील, एक्झिबिशन्स असतील, तर अशा ठिकाणी येणाऱ्या क्राऊडला किंवा ऑडियन्सला सेफ्टीसाठी हेल्दी पब्लिक इन्व्हॉल्वमेंट्सच्या दृष्टीने सुद्धा मास्कचा आणि मास्कचं रेकग्निशन ॲज ऑडियन्स टार्गेट ऑडियन्स आयडेंटिटी या उद्देशानं करण्यासाठी सुद्धा मास्कचा त्या स्पेसिफिक इव्हेंटचा लोगो इव्हेंट चा रिमार्क इम्प्रिंट असलेला मास्क आयडेंटिटी एंट्री पास म्हणूनही वापरला जाऊ शकतो. आपण तो वापरून या संदर्भातला कमर्शियल यूजसुद्धा लक्षात घेऊ शकतो. म्हणजे असे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचे कल्पक सर्जनशील सृजनशील आणि आपल्या आरोग्यदायी आनंदी सामाजिक सामुदायिक जीवनासाठी मास्कचे अनेक विध उपयोग आपण या व्हिडिओमध्ये समजून घेतले आणि हे आस्क फॉर मास्क या मुख्य शीर्षकांतर्गत मास्क संदर्भातलं आपण मराठीतून समजून घेतलेलं हे या व्हिडिओतलं माझं एक्सप्लेनेशन, माझं स्पष्टीकरण. यामध्ये मी तुमच्याही नवनवीन कल्पना, तुमच्या आयडियाज, तुमच्याही काही इंटरेस्टिंग सूचना आणि ॲडिशन्स चं स्वागत करते. तर मग हा एक वेगळ्या प्रकारचा ग्लोकल म्हणजे लोकल स्थानिक तसेच जागतिक पातळीपर्यंतचा मास्क संदर्भातला अवेअरनेस ॲक्टिव्हिटी कृतीशील सर्जनशील कल्पक आणि कन्स्ट्रक्टिव्हली म्हणजे प्रॉडक्टिव्हली कन्स्ट्रक्टिव्ह गुणात्मक मास्क अवेअरनेस कॅम्पेन मुवमेंट किंवा एक मास्क जनजागृतीची प्रचार प्रसार चळवळ मोहीम म्हणून आपण या व्हिडिओला शेअर करूयात. या व्हिडिओ मधून मास्कची आपल्या नवीन जीवन नवीन आनंदी आरोग्यदायी जीवनशैलीचा मास्कला भाग बनवताना आपण याकडे अधिक जागरूक डोळसपणे आणि कल्पकतेने समजून घेताना त्याचा उपयोग अनेक विध पैलूंनी त्याची असणारी उपयुक्तता आपण अधिकाधिक प्रमाणात
सगळ्यांपर्यंत पोचवत राहूयात. मास्कचा उपयोग आपण आपल्या सगळ्यांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने पॅन्डेमिक मुळे हायलाईट झाला पासून त्याला नाविन्यासह अधिक समृद्ध पर्यायांसकट सर्वांसाठी सर्वांसह समजून घेऊयात, वापरूयात, जनजागृतीसाठी प्रचार प्रसार करूयात. सगळ्यांचे खूप खूप आभार, धन्यवाद. नमस्ते, हॅलो सबको. मैं आप सभी का, मैं सुप्रिया राख आप सभी का इस आस्क फॉर मास्क ग्लोबल मास्क अवेयरनेस मूवमेंट अबाउट वर्सटाइल मास्क यूटिलिटी और यूसेज से रिलेटेड वीडियो कैंपेन में आप सभी का स्वागत करती हूँ. तो इस वीडियो के ज़रिए मैं मास्क के बारे में, मास्क से संबंधित बहु पर्यायी या अनेक प्रकार का अलग अलग क्रिएटिव विशेष और बहुत सारे विकल्पों का इस वीडियो में आप के साथ शेयर कर रही हूँ. तो इसको एक ग्लोबल अवेयरनेस, मास्क अवेयरनेस मूवमेंट या कैंपेन जैसे समझ के लेना है. तो इस हमें पता है कि बहुत अच्छी तरह से हमने मास्क का पैंडमिक, इस पैंडमिक दौर में वायरल प्रोटेक्शन के लिए मेन यूज़ किया. ज़्यादातर और ऑलमोस्ट सब ने, हम सब ने मास्क का मेन मुख्य उद्देश्य और मुख्य उपयोग, उपयोगिता हमने, हम सब ने इस पैंडमिक दरम्यान एंटीवायरल प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए की है. उसके सिवा मास्क की जो बहुत सारी यूटिलिटीज़ है, उसका जो उपयुक्तताएँ है, तो वो हम इस वीडियोस में देख रहे हैं. उससे रिलेटेड कुछ सब टाइटल्स के अंडर मैं आपसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज, मेरा पर्सपेक्टिव्स, मेरी क्रिएटिव आइडियाज़ और इनोवेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो जो उपशीर्षक मुझे सूझा है तो ये है कि मतलब वो भी हम करते आ रहे हैं, बट अब ज़्यादा जागरूकता के साथ हमें इसका उपयोग एयर पोल्यूशंस से प्रोटेक्शन के लिए भी करते रहना है. एज़ वी ऑल नो, मतलब हमें पता है सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अलग अलग तरह की अर्बन रूरल एक्टिविटीज़ की वजह से एयर पोल्यूशंस हो रहे हैं अलग अलग, जो कि मॉडर्न लाइफस्टाइल्स की वजह से है, अर्बन शहरी नागरी एक्टिविटीज़ की वजह से है, ऑटोमोबाइल्स जो हम बहुत सारे व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो उन की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स की वजह से, क्लाइमेटिक एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स की वजह से, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, और एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस की वजह से भी जो एयर पोल्यूशन या एयर या वातावरण का
जो इम्पॅक्ट होने वाला है, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव मेजर बोल के, एक संरक्षण बोल के ये मास्क का विकल्प हम यूज़ करते करते रह सकते हैं, नॉट ओनली इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बट ऑल्सो एट अदर प्लेसेस एज वेल। उसके बाद का जो उपशीर्षक है तो मास्क, वो है मास्क यूज़ फॉर पब्लिक एंड सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़। तो ये जो विकल्प है, हम जानते हैं कि हमारी सामाजिक या सामुदायिक सार्वजनिक जीवन शैली में बहुत सारी जनहित की सामाजिक जन जागृति की एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, तो वो उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी मास्क का एक मीडियम बोल के हम यूज़ कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक कॉजेस लाइक पब्लिक हेल्थ हो, हाइजीन हो, क्लीनलीनेस, जेंडर इक्वालिटीज, कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी अप्रोच हो, ह्यूमैनिटी हो, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हो, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयत्व का भाव हो, नारी सबलीकरण या जेंडर सबलीकरण का मुद्दा हो, शैक्षणिक शिक्षा से रिलेटेड जो कैंपेन्स है उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद का जो उपशीर्षक है तो वो ये है कि प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, तो हम देख रहे हैं और हम जानते हैं बहुत पहले से, शुरू से और अभी भी अनेक तरह के प्रोटेस्ट्स होते रह रहे हैं, होते आए हैं, हो रहे हैं, तो उन प्रोटेस्ट्स के लिए भी मास्क का उपयोग एज अ मीडियम और एज सरफेस हम कर सकते हैं, उन सारे प्रोटेस्ट को अधिक शांतता में, अधिक हार्मोनियस और अधिक संवाद में बनाने के लिए प्रोटेस्ट के दौरान हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो प्रोटेस्ट का जो स्लोगन्स होते हैं, प्रोटेस्ट की कुछ मांगे होती है, डिमांड्स होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रोटेस्ट करते वक्त अलग अलग तरह के स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं, तो उन सब को शांततामय तरीके से मास्क के साथ, मास्क थ्रू यूज़ किया जा सकता है और बिना सो कॉल्ड लाउड आउट वॉइस्ड, मतलब अपनी वाणी या आवाज़ के बिना भी मास्क के ज़रिए हम प्रोटेस्ट के स्टेटमेंट्स को शांततामय तरीके से कम्युनिकेट करने का एक विकल्प आजमाने के लिए ज़्यादातर प्रोटेस्टर्स को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे प्रोटेस्ट जो बाकी पब्लिक लाइफ है और एडमिनिस्ट्रेशंस है, मतलब अलग अलग तरह की प्रशासन व्यवस्थाएं हैं, तो उनके लिए भी इस तरह के प्रोटेस्ट कोऑपरेटिव तरीके से किए जा सकते हैं, अधिक प्रभावशाली तरीके से और अधिक शांतता में, संवैधानिक तरीके से किए जा सकते हैं। और हक की बातें जिम्मेदार और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार तरीके से भी नए मास्क मास्क के संदर्भ में भी
व्यक्त की जा सकती है, तो इसके बारे में भी हम और शेयर करेंगे। अलग अलग तरह के आपके भी पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोटेस्ट्स हो रहा है कहीं, तो मास्क कैन बी यूज्ड विद स्लोगन्स लाइक पर्यावरण, मतलब पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, जिंदगी बचाइए, इस तरह का स्लोगन हो सकता है। या अपनी जैव विविधता को बचाना है, अपने कुदरत को संभालना है, इस तरह का स्लोगन भी मास्क के ज़रिए कम्युनिकेट किया जा सकता है। उसके बाद का जो उपशीर्षक है तो वो मुझे सुझा है अंडर योर मास्क योर कोट, माय मास्क माय कोट, इस उपशीर्षक के अंदर। तो ये उपशीर्षक के अंदर मैं शेयर करना चाह रही थी कि हम मास्क का यूज़ अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने कुछ पर्सनलाइज स्टेटमेंट्स स्टेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, जो कुछ फिलोसॉफिकल तत्वज्ञान